और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। अयोध्या में गैंग रेप से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी मोहित खान के खिलाफ आज भी हो सकती है बुलडोजर वाली कार्रवाई। आज पुलिस चौकी बिल्डिंग पर चला सकती है बुलडोजर। तो कब्रिस्तान की जमीन पर मकान बनाने का आरोप लगा है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले दो दिनों से भी कार्रवाई जारी है बुलडोजर एक्शन की। आज एक बार फिर से कार्रवाई देखी जा सकती है। सपा नेता मोहित खान की बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में चल रही थी 2012 से पुलिस चौकी। मोहित खान के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी होने के बाद में रातोंरात पुलिस ने चौकी को भदरसा से भरत कुंड में शिफ्ट कर दिया है। और पहले बेकरी पर कार्रवाई की गई थी और बेकरी को तालाब की जमीन पर बनाने का आरोप लगा था, जिसके चलते बुलडोजर एक्शन हुआ। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस चौकी बिल्डिंग में चल रही थी, जिसके बाद जब मामला सामने आया, समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया तो चौकी को तुरंत शिफ्ट किया गया। और अब मकान पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है आज, क्योंकि आरोप लगे हैं कि मकान को कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जांच पड़ताल कर रही, दूसरी तरफ राजस्व की टीम भी पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो अयोध्या से गैंगरेप का मामला सामने आया था। मुख्य आरोपी मोहित खान, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और ज्यादा जानकारी के साथ में केबी शुक्ला लाइव जुड़ गए हमारे सहयोगी। केबी, आज बताइए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? कल भी हमने देखा कार्रवाई हुई, साथ ही पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए बीजेपी के नेता भी पहुंचे थे। आज क्या मकान पर बुलडोजर चल सकता है? देखिए, बेकरी ध्वस्त होने के बाद आज उस बिल्डिंग पर कार्रवाई हो सकती है जिसमें पुलिस चौकी चल रही थी। ये पुलिस चौकी 2012 में खुली थी, जब फैजाबाद में दंगा हुआ था। दंगे के दौरान भदरसा प्रभावित हुआ था और फिर 2012 में पुलिस चौकी मोहित खान की बिल्डिंग में खोली गई थी। आज उसी मोहित खान की जो बिल्डिंग है, जो जिसमें पुलिस चौकी थी, वो कब्रिस्तान की जमीन पर पाई गई है। नाप जोख के बाद जब पैमाइश हुई तो पाया गया कि जो इसकी बिल्डिंग थी जिसमें पुलिस चौकी हुआ करती थी, वो कब्रिस्तान की जमीन पर है। और आज उस पर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज बुलडोजर चल सकता है। मोहित खान की जो दूसरी प्रॉपर्टी है, आज उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। प्रशासन लगा हुआ है। माना जा रहा है कि लगभग 11 बजे के आसपास बुलडोजर चल सकता है। तो कुल मिला के जो चौकी रातों रात शिफ्ट की गई थी, जब मोहित खान के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, जब उसे गिरफ्तार किया गया था, तो रातों रात पुलिस ने भदरसा पुलिस चौकी को भरत कुंड शिफ्ट कर दिया था। आज उसी बिल्डिंग पर कार्रवाई होनी है। जिस तरह से देखा जाए गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के ऊपर जिस तरह शिकंजा कसा हुआ है, पहले बेकरी ध्वस्त हुई और अब बारी है उस बिल्डिंग की जिसमें पुलिस चौकी चली थी। इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी खाली कराया गया है। हालांकि तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, और साथ ही जहां पुलिस चौकी की तस्वीरें आप देख रहे थे, वहां आज कार्रवाई होगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया केबी आपका। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या बलात्कार मामले में योगी सरकार लगातार एक्शन कर रही है। आरोपी मोहित खान के घर पर भी चल सकता है बुलडोजर। कब्रिस्तान की जमीन पर घर बनाने का आरोप लगा था। राजस्व विभाग ने जांच शुरू कर दी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देखिए, एक के बाद एक बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्योंकि पीड़ित पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई थी कि आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। और बीते दो दिनों से ही इस तरह की कार्रवाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, बेकरी की, और दूसरी तस्वीर आरोपी मोहित खान की आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये कॉम्प्लेक्स की दुकानें हैं जिसे खाली कराया गया है और यहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा। अयोध्या में मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चलने के बाद पे अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई हो सकती है। मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों और साथ ही बैंक को खाली कराने का जो नोटिस था वो पहले जारी कर दिया गया था, इसीलिए दुकानों को खाली किया गया। मोहित खान की जिस बेकरी पर बुलडोजर चला था वो तालाब की जमीन पर बनाया गया था। इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से पर भी कार्रवाई की गई। तो लखनऊ में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, और ये पोस्टर आप देखिए, जहां लिखा है लड़के हैं गलती हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर क्या साबित करना चाहते हैं, मोहित है गलती हो जाती है। देखिए, इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही अखिलेश यादव और मोहित खान, जो समाजवादी पार्टी के नेता, उन दोनों पर ही सवाल उठाए गए हैं।
तो अयोध्या गैंगरेप मामले में अब पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी पर हमला किया गया। पोस्टर में अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट कराने की बात पर तंज कसा गया और पोस्टर में अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोहित खान का जिक्र किया गया और यूपी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के एक बयान का जिक्र यहां पर किया गया है, लड़के हैं गलती हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो मुलायम सिंह यादव के बयान और साथ ही अखिलेश यादव के बयान को लेकर ये पोस्टर वॉर किया गया है। पांच अगस्त का दिन मोदी सरकार के लिए बेहद खास है। पांच अगस्त का दिन इसलिए खास है क्योंकि पांच अगस्त को बीजेपी सरकार ने ऐसे काम किए जो असंभव से लगते हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और साथ ही 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। वहीं आज 5 अगस्त को बीजेपी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन भी कर सकती है, यानी कि आज एक फिर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर 2019 से जुड़ी हुई है, जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी। ये फैसला भी एक असंभव फैसला था लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे पूरा किया। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये राम मंदिर की तस्वीरें हैं, राम मंदिर का जब भूमि पूजन किया था और नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, ये उस वक्त की तस्वीर। और तीसरी तस्वीर, और आज 5 अगस्त 2024 है, माना जा रहा है आज मोदी सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। बरेली पुलिस ने एक पादरी को गिरफ्तार किया है। ईश्वरी प्रसाद पर लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। रामचरितमानस के बारे में भी भला बुरा कहने का आरोप है। दरअसल आरोपी हर रविवार अपने घर पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन करता था जिसमें महिलाओं, पुरुष और साथ ही बच्चों को बुलाता और ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तित करता। हिंदू संगठनों को जैसे ही इस बात की भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बहेड़ी थाना क्षेत्र के सिंह गोटिया मोहल्ले में ईश्वरी प्रसाद हर रविवार को अपने घर पर प्रार्थना सभा लगाता था जिसमें महिलाएं, पुरुष और साथ ही बच्चों को बुलाया जाता था और सभी का ब्रेन वॉश किया जाता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। थाना बहेड़ी के सिंहपुर गोटिया क्षेत्र में एक जो अपने घर पर उन्होंने कई व्यक्तियों को इकट्ठा कर रखा है और वो उनको एक धर्म की बुराई बता करके दूसरे धर्म को अपनाने हेतु दुष्प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है और सिंहपुर गोटिया ग्राम में जाकर उस व्यक्ति को वहां से ला करके थाने पर लाया गया है और श्री नेत्रपाल सिंह जी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 की जो समुचित धाराएं हैं उनमें अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में चित्रंजन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सहयोगी चित्रंजन बताइए क्या अपडेट है। देखिए, ये पूरा मामला बहेड़ी से सामने आया था और रविवार को अक्सर इस तरीके के मामले बरेली से निकल के सामने आ रहे हैं तो इसी को लेकर बीएचपी के जो कार्यकर्ता थे वो उनको सूचना मिली थी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और एक ये जो पादरी है 10 साल पहले इसने ईसाई धर्म अपनाया था और ये जो है पैसे के लालच को देखकर और दूसरे धर्म की कुरीतियां बताकर ये इस तरीके से प्रलोभन दे रहा था और इसी को लेकर पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस पे धर्मांतरण का मामला दर्ज हुआ है। अब आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही है, तथ्य निकाले जा रहे हैं कि ये कहां से जुड़ा था और किन के कहने पे ये सारी चीजें कर रहा था। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका। बरेली से बड़ी खबर मिल रही है, नाबालिग किशोरी का धर्मांतरण कराने वाला आरोपी सलमान गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 2.5 महीने बाद गिरफ्तारी हुई है। अपहरण कर युवती को हरियाणा हिमाचल तक ले गया था आरोपी। आरोपी ने नाबालिग का नाम मरियम रखकर उसे काफी भटकाने की कोशिश भी की। आरोपी पर अपहरण, दुष्कर्म और साथ ही पॉस्को एक्ट धर्म परिवर्तन की धाराएं बढ़ाकर जेल भेजा गया है और 9 मई को सुभाष नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण किया गया था।
खबर शामली से है जहां पर नौकर की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। वारदात में शामिल चार आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम मोहम्मद है, जो कि आरोपी अरविंद के घर 6000 रुपए में नौकरी करता था। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद बार बार अपना बकाया मांग रहा था, साथ ही नौकरी भी छोड़ना चाह रहा था, जिससे कि तंग आकर आरोपी अरविंद ने रस्सी से उसका गला घोट दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद में आरोपी ने अपने भाई, चाचा और मौसा को बताया। इसके बाद में चारों ने शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। आपको बता दें कि पुलिस को शव किवाना गांव की कृष्णा नगर नदी के किनारे मिला है। गांव मोहम्मदपुर रायसिंह में अभियुक्तों के घर नौकरी करता हुआ पाया गया और इन जो है जो चार अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इन चारों ने अपना जुर्म कबूल किया और इन्होंने बताया कि ये जो है मोहम्मद नौकरी छोड़ करके अन्यत्र जाना चाहता था और 9 माह की सैलरी भी इनके द्वारा भी नहीं दी गई थी। इसी कारण से इन्होंने इसकी जो है ट्यूबवेल के पास में ही हत्या गला दबा करके कर दिया, रस्सी से गला दबाया और इसको फिर गाड़ी में लेकर के और इसको जंगल ग्राम किवाना कृष्णा नदी के तट पर डेड बॉडी को फेंक आए। शामली में एनकाउंटर के दौरान एक गौकश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने गौकशी के 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें एक नाबालिग है और दोनों पर अपने 6 साथियों के साथ में मिलकर गोवंश काटने का आरोप लगा है। पुलिस 4 गोकशों को पहले ही जेल भेज चुकी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिंभाल का गांव बाईपास के पास में गोकशों के साथ में पुलिस का एनकाउंटर हुआ। गोकशों के पास से एक बाइक और अवैध असलाह भी बरामद की गई। एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 व्यक्ति मेरठ की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, जिनके कारण पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया और सिंभालका बाईपास से करीब 200 मीटर दूर बाएं तरफ खेत में दोनों बदमाश घुसे हैं, वहां से फायरिंग किए हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में एक बदमाश जिसका नाम है समीम उत्तम न्याजू, ये सल्फा कांदला का रहने वाला है। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीएससी की छात्रा के सुसाइड मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि छात्रा ने मुस्लिम लड़के से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मामला मैनपुरी के कुरावली का है। छात्रा के पिता के मुताबिक पड़ोस में रहने वाला वासिफ धर्म परिवर्तन और शादी करने का दबाव बना रहा था, तेजाब डालने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। परेशान होकर उनकी बेटी ने सुसाइड किया। और देवेंद्र चौहान हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बताइए क्या है ये पूरा मामला और फिलहाल आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? ये पूरा मामला मैनपुरी जनपद के थाना कुरावली इलाके का है, जहां पर एक युवती ने सुसाइड कर लिया और उसके जो परिजन थे उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और ये कहा कि हमारी लड़की को परेशान करते थे, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली। और एक वासिफ नाम का एक युवक है, जिसके ऊपर पूरा आरोप था कि ये धर्म परिवर्तन कराना चाहता था उसका लड़की का, और साथ ही उसको दबाव बना रहा था कि धर्म परिवर्तन कर शादी कर लो, और इसको लेके कई बार छींटाकशी करता था और दबाव बना रहा था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस ने आरोपी वासिफ को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र। और मुरादाबाद में सड़क पर एक बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद में एक बाइक सवार नाली में जा गिरा, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने नाली में गिरे बाइक सवार को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना कोतवाली मुगलपुरा इलाके के प्रताप सिंह इंटर कॉलेज के पास की बताई जा रही है।
इटावा पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दो शातिरों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। शातिरों के पास से पुलिस ने लूटे गए कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने बाइक को जब रोकने की कोशिश की तो बदमाश भागने लगा। इसके बाद में बदमाशों ने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सभी पकड़े गए। कुछ बदमाश पल्सर गाड़ी से जा रहे हैं जिसमें पुलिस उनको रात में चेक करती है। जब चेक करती है पुलिस पर तो फायर करते हैं, पुलिस भी उनको काउंटर फायर करती है अपने सेल्फ डिफेंस में, और दो बदमाश फिर आवश्यक बल लगा के गिरफ्तार किए जाते हैं। बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगती है, उसके पास से एक तमंचा कारतूस 315 बोर का बरामद किया जाता है। पल्सर गाड़ी बरामद की जाती है। बाद में जब पूछताछ की जाती है तो वो मोबाइल लूटने तथा विभिन्न महिलाओं के जो घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ, कभी उनके कुंडल छीनने के या उनके पर्स उठा लेने के तथा मोबाइल ले लेने के, जब लोग बात करते करते जाते रहते हैं कि मोटरसाइकिल से तेज़ी से आते हैं और उनके मोबाइल छीन के चले जाते हैं। इस प्रकार से इनके खिलाफ 13 अभियोग दर्ज है, इसमें जो विश्वनाथ नाम का मुंजिम है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।